कांग्रेस पार्टी की ओर से हल्ला बोला जा रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर पटना में प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया गया। जम्मू, जयपुर में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से हल्ला बोला जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार को। जयेश सोनी इस पर मेरे साथ गुजरात से बने हुए हैं। गुजरात में भी क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से हल्ला बोला जा रहा है? जयेश, वहां से क्या अपडेट्स? और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक ऐसी कोई सूचना मिली नहीं है कि वो लोग यहाँ पर कहीं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर बहुत ही कमजोर है। इस वजह से हो सकता है कि गुजरात में इतना ज्यादा व्यापक विरोध कांग्रेस पार्टी ना कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मामले को लेकर के राजनीति बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया इसी मुद्दे को लेकर के, इसके बाद अब कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ रही है। कल राहुल गांधी ने भी जिस तरह से नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुलाकात की थी, उनसे पेरेंट्स के साथ मुलाकात की थी, और उसके बाद ये तय किया गया था कि देश भर में ये कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। तो कहीं ना कहीं अब नीट मामले को लेकर के जिस तरह से इंडिया न्यूज ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया था, और सबसे पहले हमने ही इस मामले को टीवी स्क्रीन पर दिखाया था। 4 तारीख को जब रिजल्ट थी उसी दिन से हम बाकी लोग जब पॉलिटिकल खबर के पीछे चल रहे थे तब हमने ये खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद से लेकर के लगातार इंडिया न्यूज इस खबर पर बना हुआ है, और इसी कारण ये हो सकता है कि अब पॉलिटिकल पार्टी भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, और इन इन्वॉल्वमेंट के लिए राजनीतिक फायदा उठाने का, ज्यादा लाभ उठाने का मामला लग रहा है, ना कि नीट के लिए न्याय मांगना। अब ये पूरा मामले के अंदर पब्लिसिटी स्टंट भी कहीं पर हो रहे हैं। बिल्कुल, वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी है उन्हें भी राहत फिलहाल कोर्ट से कोई नहीं मिली है। 8 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। सभी याचिकाओं को बताया जा रहा है कोर्ट ने क्लब कर दिया है, साथ ही साथ काउंसलिंग पर भी किसी तरह की कोई रोक फिलहाल नहीं लगाई गई है। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया रितेश और जयेश इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है और कहा यह जा रहा है कि क्यों बीजेपी की तरफ से अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको दिल्ली से हमारी संवाददाता कनिका कटियार की रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट परीक्षा मामले को लेकर दिल्ली कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस वक्त जो है तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। कई नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जो है दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन भी कर लिया गया है, लेकिन किस तरह देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांगे? ये मोदी की तानाशाही है, ये तानाशाही हो रही है, जबरदस्ती हो रही है। आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है, हम शांति प्रिय ढंग से आवाज उठा रहे हैं, वो भी नहीं उठाने दे रहे। जो अगर नेट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके विरोध में हम लोग अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और किस तरह से देखिए प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है दिल्ली कांग्रेस की ओर से। आज बीजेपी और केंद्र सरकार के ऊपर बड़े हमले के साथ जो है प्रदर्शन किया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को जो है दिल्ली पुलिस द्वारा जो है रिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पे नीट मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई विपक्ष पार्टियां जो है वो लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और मांग सिर्फ इतनी है कि नीट का पेपर दोबारा होना चाहिए और NTA का जो है उसको बर्खास्त